बस पहला मेरा सवाल, मैं बहुत कम टाइम लूंगी, कि किसका किसका दिल टूटा हुआ है? और प्यार ना बहुत ऐसी तकलीफ देता है जो हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा शेर जो बहुत पसंद किया वही मैं पेश करूंगी, कि अब इससे ज्यादा बेबसी और क्या होगी इश्क में, अब इससे ज्यादा बेबसी और क्या होगी इश्क में, उसको किसी और के साथ भी देख दुआ दी है मैंने, उसको किसी और के साथ भी देख दुआ दी है मैंने। और एक छोटी सी नज़, जब आपके साथ कुछ बुरा होता है ना, लोग आपको सहानुभूति देने आते हैं, लेकिन सच में वो ऐसा होता है कि वो सवाल होता है कि लोग आ रहे हैं मेरा जख्म देखने, लोग आ रहे हैं मेरा जख्म देखने, कमाल ये है कि कोई दवा नहीं कर रहा, कमाल ये है कि कोई दवा नहीं कर रहा, कितने ऐब से उसने मेरी जिंदगी छीनी, कितने ऐब से उसने मेरी जिंदगी छीनी, और वो सोच रहा है कि मैं उसका सच नहीं समझ रहा, और वो सोच रहा है कि मैं उसका सच नहीं समझ रहा। आपके साथ भी अक्सर ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने आपको सीढ़ी की तरह शायद यूज किया हो, जब आप वो अपनी मंजिल पे पहुंच गए तो छोड़ दिया। कि ये वाला शेर सुनिएगा कि बहुत बेदर्द दुनिया थी, बहुत बेदर्द दुनिया थी तो किसी को अपनी दुनिया बना बैठे, बहुत बेदर्द दुनिया थी तो किसी को अपनी दुनिया बना बैठे, अब वही शख्स मुझे अपना हिस्सा नहीं समझ रहा, अब वही शख्स मुझे अपना हिस्सा नहीं समझ रहा। और आखिरी शेर कि सूरज से ज्यादा तपिश थी मुझ में, सूरज से ज्यादा तपिश थी मुझ में, मैं किसको जलाती, तो एक दिन यूं किया कि मैंने खुद को ही खाक कर लिया, खुद को ही खाक कर लिया। और जाते जाते, क्योंकि खाक की बात आई है, दिल्ली वाले शायद रिलेट कर पाए, और जो समझ जाएगा वो ताली बजा देगा, कि कभी पूछना कैसे गुजारी है जिंदगी मेरे कमरे से, कभी पूछना कैसे गुजारी है जिंदगी मेरे कमरे से, यूं सुकून से जीने वालों के कमरों से धुआं नहीं उठता, यूं सुकून से जीने वालों के कमरों से धुआं नहीं उठता। थैंक यू सो मच।